आप क्या करती हैं? मैं विकलांग एक लड़की हूँ, मुझे दिखाई नहीं देते कुछ भी। ठीक है। और जितने दिन से ये लॉकडाउन लगा है, जैसे 6 महीना 7 महीने हो, कैसे भी हो, 7 दिन के लिए भी मुझे कोई चीज के लिए कहीं से भी कुछ मदद ना मिला। अच्छा। बस मेरा एक लड़का है, कभी कुछ करते तो कुछ मिल जाए। आपके आंखों से नहीं दिखाई देता है? नहीं। अच्छा। तो आपको गवर्नमेंट से कोई फंड मिल रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो करते क्या है अभी आप? बस कुछ नहीं, कहीं से कुछ वो लड़का कमा लेते, एक लड़का है मेरा। आप शादीशुदा हैं? हाँ, मेरा एक लड़का। आपका एक लड़का है? हाँ। क्या करता है वो? वो ऐसे ही वो हाउस पिकिंग की काम करते हैं, कोई बुला लेते तो चले जाते। तो परमानेंट इनकम नहीं है आपकी? नहीं नहीं। अच्छा। कुछ भी नहीं है ऐसे। अच्छा अच्छा। और बस बहुत तकलीफ में हूँ मैं, मुझे किसी तरफ से कोई मदद आपका? नहीं मिल रहा है। शिफाली। शिफाली यहीं रहती हैं आप? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। सेक्टर 35 में? नहीं, सेक्टर 50। ये देखिए, आपके सामने सेक्टर 50 की एक महिला है जिसका नाम है शेफाली, और वो आंखों से देख नहीं पाती है और सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं दिया जाता है। विधायक हैं पंकज सिंह जी, तो अब उनको ध्यान देने वाला है कि उनके सांसदीय क्षेत्र के अंदर एक महिला किस तरीके से अपने रोजगार के लिए भटक रही है, अपने दो दो पैसे के लिए मोहताज है। क्या करते हैं पंकज सिंह जी विधायक, उनके संसदीय क्षेत्र के अंदर किस तरीके से मजदूर तड़प रहे हैं, इनके पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, शिक्षा इनकी व्यवस्था गड़बड़ हुई पड़ी है, कोई बच्चा शिक्षा संस्थान के अंदर जा नहीं रहा है, अगर जा रहा है तो उसे फीस मांगी जाती है, अगर फीस नहीं देते हैं तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये है मजदूरों की व्यवस्था जो कि देखने में आ रही है सामने। आज ये महिला जो एक एक पैसे के लिए मोहताज है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, एक बच्चा है उसका, वो बेचारा कमा के, वो भी डेली का रोजगार नहीं है उसके पास, अगर वो बेचारा कहीं काम मिल जाता है तो जो 2-4 पैसा कमा के लाता है उससे अपने माँ का पेट भरता है। तो ये देखिए, इस संसदीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई NGOs हो, यदि कोई किसी भी प्रकार का कोई धनाढ्य व्यक्ति हो या कोई आदमी दान देना चाहता हो तो इस परिवार को दान दे जिसे बेचारे को दिखाई नहीं देता है, परिवार बेचारा परेशान है, घर में इनकम नहीं है और बेचारा हर रोज एक एक पैसे के लिए मोहताज रहता है। तो ये वीडियो जो भी देख रहा हो गौतम बुद्ध नगर के अंदर, जितने भी यहाँ पर कंपनी के मालिक हों, कई कंपनी के मालिकों के NGOs हैं, वो NGOs को आगे आना चाहिए इस बेचारे परिवार के लिए और अन्य मजदूरों के परिवार के लिए सहायता देने के लिए। हालांकि वो करोड़ों करोड़ों रुपए बड़ी बड़ी कंपनियों में दान देते हैं लेकिन इस गरीब परिवार तक एक पैसा नहीं पहुंचता। तो मेरा जो है एक प्रार्थना है इस बच्चे की तरफ से, बच्चे के परिवार की तरफ से, कि यदि कोई आदमी इस वीडियो को देख रहा हो, अगर उसके पास इस बच्चे का मैसेज पहुँचे तो इस बच्चे को जो है ज़रूर हेल्प करें, उसकी सहायता करें। मोबाइल नंबर बेटा बताओ अपना जरा। 9 9 5 8 5 8 0 9 0 9 7 6 7 6 0 9 0 9। तो ये मोबाइल नंबर है, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं आपको, दोबारा बताओ शेफाली। 9 9 5 8 5 8 0 9 0 9 7 6 7 6 0 9 0 9। तो ये है शेफाली जो घर से परेशान है, रोजगार है नहीं, एक बेटा है छोटा, जो बेचारा किसी भी तरीके से 2-4 घंटे काम करके अगर मिल जाता है तो करता है, नहीं तो 2-4 दिन घर बैठ जाता है, और ये बेचारे के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और आंखों से दिखाई नहीं देता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी यदि नोएडा के अंदर इस तरीके का अगर जो है व्यक्ति है जिसका NGO है या फिर जो हेल्प करना चाहता हो, सहायता करना चाहता हो, वो कृपया आगे आए और शेफाली की मदद करें। मोबाइल नंबर आपको फ्लैश किया जा चुका है, आप प्लीज़ जो है इनकी मदद करें।